सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टॉप काउंटडाउन में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 5 वर्ल्ड्स बेस्ट हॉरर स्लैशर मूवीज के बारे में, और इन सभी मूवीज के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से इन सभी मूवीज को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो हमारे नंबर 5 की मूवी है कल्ट ऑफ चकी। ये 2017 में आई एक हॉरर स्लैशर मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई चकी नाम के डॉल की, जो कि अचानक से जिंदा हो जाता है और लोगों को मारने लगता है। पर सभी लोगों को लगता है कि ये खून उसके मालिक ने किया है, जिसकी वजह से वो उसे साइकेट्रिक्स के यहाँ इलाज करवाने के लिए भेज देते हैं। लेकिन चकी वहाँ पर भी पहुँच जाता है और सबको बड़ी बेरहमी तरीके से मारने लगता है। अब क्या उसकी ऑनर उसे बच पाती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को पूरे एंड तक देखना होगा। कभी-कभी तो मैं खुद को ही डरा देता हूँ। 1 hour 31 minute की ये मूवी 5.2 out of 10 IMDb रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो हमारी नेक्स्ट मूवी है कॉल्ड स्किन। ये 2017 में आई एक हॉरर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई ऑफिसर की, जिसको काम के सिलसिले में बहुत दूर एक आइलैंड में भेजा जाता है। पर जैसे ही वहाँ पर रात होती है, कुछ अजीब से क्रिएचर्स उस पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मदद मांगने के लिए किसी और के पास जाता है। अगले दिन उसे पता चलता है कि वो जानवर हजारों की तादाद में है, जो कि समुद्र में रहते हैं। हर रात को वो समुद्र से निकलकर इन लोगों पर हमला करते हैं। अब क्या ये उस आइलैंड पर उस जानवर से बचकर सरवाइव कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को पूरा एंड तक देखना होगा। 1 hour 48 minute की ये मूवी 6 out of 10 IMDb रेटिंग के साथ Amazon Prime पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। हमारी नेक्स्ट मूवी है केस 39। ये 2009 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई एक लड़की की, जिसके पेरेंट्स उसे जिंदा जलाकर मारना चाहते हैं, पर उसे चाइल्ड केयर में काम करने वाली एक लड़की आकर बचा लेती है, जिसके बाद से वो उसके घर में उसके साथ रहने लगती है। पर जब से वो उसके घर में उसके साथ रहने लगती, तब से इसके साथ बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें होने लगती हैं, और उसके सभी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स मिस्टीरियस तरीके से मरने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है और उस बच्ची में ऐसा क्या है, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को पूरा एंड तक देखना होगा। 1 hour 51 minute की ये मूवी 6.2 out of 10 IMDb रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो हमारी नेक्स्ट मूवी है द रेज्ड। ये 2019 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई एक लड़के के, जो कि अपने फादर के यहाँ घूमने के लिए गया होता है। पर जैसे ही वो वहाँ अपने फादर के यहाँ जाता है, वहाँ पर पड़ोस में देखता है कि वहाँ के लोग बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, और वहाँ से बहुत सारे लोग गायब होने लगते हैं। जो भी लोग गायब होते हैं, लोग उसके बारे में भूल जाते हैं। सभी लोगों को लगता है कि वो कभी था ही नहीं। आखिर वहाँ पर ऐसा क्या है और लोगों को कौन गायब करता है, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को पूरा एंड तक देखना होगा। 1 hour 35 minute की ये मूवी 5.8 out of 10 IMDb रेटिंग के साथ Amazon Prime पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो हमारी नेक्स्ट मूवी है डे शिफ्ट। ये 2022 में ये एक एक्शन कॉमेडी हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई कुछ लोगों की, जो कि वैम्पायर्स का शिकार कर कर उसके दांत को बेच कर उससे पैसे कमाते हैं। पर जब वो एक दिन वैम्पायर्स का शिकार करने जाते हैं, तो वो गलती से वैम्पायर्स की बेटी को मार देता है, जिसकी वजह से वो उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और वो इसके परिवार को किडनैप कर वैम्पायर बनाने के लिए ले जाती है। अब क्या बर्ड अपने परिवार को उस वैम्पायर से बचा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को पूरा एंड तक देखना होगा। 1 hour 54 minute की ये मूवी 6.1 out of 10 IMDb रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।